Welcome friends to the second part of this teacher on demand series on colorimetry. पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कलरीमेट्री का कंस्ट्रक्शन और लेआउट कैसा है. मैंने बताया था कि एक लाइट सोर्स है, लाइट्स हर जगह से जाता है, तो उसको एक नैरो बीम बनाने के लिए एक स्लिट है. फिर इस लाइट को हम एक फिल्टर से ले जाते हैं जिससे बाकी सारे वेवलेंथ्स रुक जाते हैं और जो वेवलेंथ मुझे जिसमें मुझे टेस्ट करना है उस वेवलेंथ का लाइट पास होता है. वो लाइट इस क्यूबेट के थ्रू पास होता है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा. जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो एक फ़ोटो डिटेक्टर सेल में पड़ता है. फ़ोटो डिटेक्टर सेल से करंट जनरेट होता है, वो करंट इस एम मीटर में से पढ़ के हमें ये पता लगा सकते हैं कि कितना एब्जॉर्बेंस या कितना ट्रांसमिशन हुआ है. मैंने ये भी बताया था कि देर आर टू लॉज दैट गवर्न कलरीमेट्रिक इक्वेशंस. एक है बियर्स लॉ जो कहता है कि अब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. एक सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, उतना कलर उसका डार्क होगा. एक और मैंने रूल बताया था लैम्बर्ट्स लॉ, जिसमें मैंने बोला था अब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ. अगर क्यूबेट का लेंथ ज़्यादा है तो अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, क्यूबेट का लेंथ कम है तो अब्जॉर्बेंस कम होगा. मैंने ये भी बताया था कि जब हम कलरीमेट्रिक टेस्ट करते हैं तो मेन मुद्दा ये है कि हमें सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, इसीलिए ये लैम्बर्ट्स लॉ को एलिमिनेट करना है. और लैम्बर्ट्स लॉ एलिमिनेट करने के लिए हम एक क्यूएट यूज़ करते हैं जिसका पाथ लेंथ फिक्स्ड है. अगर इसके बारे में डिटेल्स और चाहिए तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं. अब कहानी आगे. नाउ दिस इज़ अ डिजिटल कलरीमीटर और इसमें जब हम अपना सॉल्यूशन को डाल के रीडिंग लेते हैं तो इस टाइप का एक रीडिंग आ जाता है हमारे पास. दिस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्बेंस. नाउ मान के चलो कि मैंने चार टेस्ट किए और चार टेस्ट का एब्जॉर्बेंस मुझे 0.15, 0.3, 0.05 और 0.1 आया. इससे क्या मतलब निकलता है और उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? देखा जाए तो ये सिर्फ नंबर है और इससे हम कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं पता लगा सकते हैं. हाँ, मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं क्योंकि इसका अब्जॉर्बेंस 0.3 और इसका अब्जॉर्बेंस 0.15 है तो ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से दुगना है. इसका अब्जॉर्बेंस 0.3 है और इसका अब्जॉर्बेंस 0.1 है तो ये भी बोल सकते हैं कि ये इससे 3 times ज़्यादा है. बट उससे अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं. और बायोकेमिस्ट्री में जब हम बॉडी के फ्लूइड्स को एस्टिमेट करके ग्लूकोज का टेस्ट करना चाहते हैं या यूरिया टेस्ट करना चाहते हैं, ये दुगना है या तिगना है ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है. हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. अब मैं कहानी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ. अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक सोल्यूशन बनाया जिसका कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का 300 mg/dL है, एक सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसमें मैं 300 mg/dL ग्लूकोज तोल के रिएजेंट बनाता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ और उस टेस्ट का अब्जॉर्बेंस 0.3 आया. अगर मैं कहूँ कि 300 mg/dL का अब्जॉर्बेंस 0.3 है तो हम इसके बाद अनुमान लगा सकते हैं 0.15 का कॉन्सेंट्रेशन 150 होगा, 0.05 का कॉन्सेंट्रेशन 50 होगा और 0.1 का कॉन्सेंट्रेशन 100 होगा. ये सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम है उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड कहते हैं. स्टैंडर्ड के बिना कलरीमेट्रिक इक्वेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है. जब हम एक स्टैंडर्ड रन करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है और उसका ओडी भी मुझे पता है, उसके बाद हम बाकी सारे सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कलरीमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं. नाउ दिस इज़ द कलरीमेट्रिक इक्वेशन. हमने कहा कि जब हम कलरीमेट्रिक टेस्ट करते हैं तो लैम्बर्ट्स लॉ को एलिमिनेट करते हैं एक फिक्स क्यूवेट को लेकर जिसका पाथ लेंथ फिक्स्ड है. तो नाउ अब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. जितना ज़्यादा अब्जॉर्बेंस उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन. हम लोगों ने दो किस्म के स्टैंडर्ड्स दिए हैं, एक तो टेस्ट सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए और एक स्टैंडर्ड जो मैं बना चुका हूँ जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम है, जिसका टेस्ट करके उसका अब्जॉर्बेंस देता हूँ. तो नाउ द कलरीमेट्रिक इक्वेशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट बाई अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड.
इस इक्वेशन को अगर रीमॉडिफाई करेंगे तो आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड राइट. नाउ दी इसी इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जब हम टेस्ट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड तो फिक्स्ड है क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बनाया है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड मालूम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड का वैल्यू टेस्ट के साथ चेंज नहीं होता है. दूसरा चीज़, हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड डाल के उसके रीडिंग लेते हैं, तो अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड भी एक ही होता है. तो जब हम टेस्ट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स्ड होता है. इस रेशियो को हम एक फैक्टर बुलाते हैं. देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट इक्वल टू अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू फैक्टर. वंस अगेन लेट अस रिवाइज. कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वल टू अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट बाय अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऊपर ले आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड. ये कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड है. सो दिस इज द क्लासिकल कलरीमेट्रिक इक्वेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट इक्वल्स एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स्ड है, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स्ड है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट इक्वल्स एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इनटू अ फैक्टर. एक बायोकेमिस्ट के लिए ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको अगले कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर हम टेस्ट एक कलरीमीटर में करते हैं तो क्या प्रोसीजर है, कैसे टेस्ट करते हैं. सबसे पहले बात तो जो हमारा क्यूबेट है उस पर एक लाइन ड्रॉ करना है और एक और लाइन कलरीमीट्री मीटर पे ड्रॉ करना है. जब भी हम रीडिंग लेंगे और एक क्यूबेट को अंदर डालेंगे तो ज़रूरी है कि इस लाइन को जो क्यूबेट में है, जो लाइन कलरीमीटर में है, उसके साथ मैच करना है. जब ये दोनों मैच करेंगे तो हमारा पाथ लेंथ हमेशा फिक्स्ड होगा और तभी बायोकेमिस्ट्री का रिएक्शंस ले सकते हैं. अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक डायल है जिसमें मैं फिल्टर्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे एक फाइन एडजस्टमेंट नॉब है. कलरीमीटर को सेट करने के लिए सबसे पहले बात तो हम अपना वेवलेंथ को चुनते हैं इस डायल से. दूसरा, क्यूबेट में पानी भर के इस वेल में डालते हैं और दोनों लाइंस को मिला देते हैं. उस समय कुछ ना कुछ तो रीडिंग आएगा, उस रीडिंग को इस नॉब के ज़रिए एडजस्ट करके ज़ीरो में लाना है. देन मशीन उस वेवलेंथ के लिए ज़ीरो किया गया है. आफ्टर दिस वी हैव टू पुट द रिएजेंट ब्लैंक. रिएजेंट ब्लैंक डाल के रीडिंग लेते हैं. कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा. अगर मेरा रिएजेंट बिल्कुल क्लियर है तो रीडिंग ज़ीरो होगा, नहीं तो 0.01, 0.02, 0.03 कुछ ना कुछ रीडिंग आ सकता है. अगर हम बायूरिट्स के टेस्ट करते हैं तो उसमें क्योंकि सोल्यूशन का ही कलर है तो ब्लैंक का रीडिंग थोड़ा सा हाई आएगा. वी नोट दैट रीडिंग एज ब्लैंक. उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड का टेस्ट को इसी क्यूवेट में डालेंगे. पहले तो इस जो रिएजेंट है उसको वापस उसके टेस्ट ट्यूब में डालना है, टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से पानी से साफ करके ड्राई करके उसके बाद स्टैंडर्ड अंदर डालना है और स्टैंडर्ड का ऑप्टिकल डेंसिटी जब सेटल हो जाएगा तो उसको नोट करना है. देन वी कैन अप्लाई दिस इनटू द कलरीमेट्रिक इक्वेशन. मुझे स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, मुझे स्टैंडर्ड का अब्जॉर्बेंस मालूम है, उससे मैं फैक्टर कैलकुलेट कर सकता हूँ. इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब से जो स्टैंडर्ड है उसको वापस टेस्ट ट्यूब में डाल के हर एक टेस्ट एक के बाद एक इसके अंदर डालूँगा और फिर रीडिंग लूँगा. ध्यान रहे कि हर बार जब आप टेस्ट डालते हैं तो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के अंदर जाना चाहिए और टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के साइड में नहीं होना चाहिए. और सही अच्छा तरीका ये होगा कि इस टेस्ट ट्यूब को एक फ़िल्टर पेपर से अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही रीडिंग लें. आपके पास अभी टेस्ट का रीडिंग आ जाएगा, आपके पास फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा.
अगर हम सेमी ऑटो एनालाइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें भी तकरीबन प्रोसेसेस सिमिलर हैं। इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसका जो क्यूवेट है, क्यूवेट यहाँ पर है और एक पेरिस्टैटिक पंप है जिससे सारा सॉल्यूशन को एस्पिरेट होकर रीडिंग लेता है। तो सबसे पहले बात, क्यूवेट को अच्छी तरह से वॉश करना है। एक वॉश बटन है जिसको दबाने से ये पानी को अब्सॉर्ब करता रहेगा और क्यूवेट को अच्छी तरह से क्लीन कर लेगा। आफ्टर वी हैव क्लीन द क्यूवेट, देन वी हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्राम विच वी वॉन्ट टू टेस्ट। प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के बाद अपने आप वो प्रॉम्प्ट करेगा कि रिएजेंट ब्लैंक पिलाओ। तो दैट इज़ अ टाइम वी हैव टू पुट द रिएजेंट ब्लैंक एंड एस्पिरेटेड। रिएजेंट ब्लैंक को एस्पिरेट करेगा और अपने आप उसका ज़ीरो कर देगा। उसके बाद स्टैंडर्ड मांगेगा, तो स्टैंडर्ड वाला सोल्यूशन को पिलाना है। जब हम स्टैंडर्ड का सोल्यूशन पिलाएंगे, हमने इस मशीन में पहले से प्रोग्राम करके रखा हुआ है कि स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। मशीन स्टैंडर्ड को एस्पिरेट करेगा, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी लेगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम करके रखा है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस हिसाब से फैक्टर को कैलकुलेट करेगा और आपको फैक्टर को डिस्प्ले करेगा। आजकल के मशीन्स में जैसे ही मैं स्टैंडर्ड को एस्पिरेट करता हूँ, फैक्टर अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। पुराने ज़माने में की मशीन्स में स्टैंडर्ड को एस्पिरेट करने के बाद एक बटन होता था जिसको हम कैलिब्रेट कहते हैं, वो बटन दबाने से फिर फैक्टर कैलकुलेट करता है। फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फैक्टर ठीक है कि नहीं। अगर फैक्टर ठीक है तो उसके बाद हम टेस्ट सैम्पल्स एक के बाद एक पिला सकते हैं। जब हम टेस्ट सैम्पल को पिलाएंगे तो वो टेस्ट सैम्पल को एस्पिरेट करेगा, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी लेगा, फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और आपको सीधा सीधा स्क्रीन में कॉन्सेंट्रेशन दिखा देगा। और आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट हो सकता है या फिर आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली डाटा भी आ सकता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अ सेमी ऑटो एनालाइजर। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फैक्टर? वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट अ फैक्टर। अगर मेरा रिएजेंट अच्छा है, अगर मेरा स्टैंडर्ड अच्छा है, अगर मेरा टेक्नीशियन अच्छा है, तो मेरा कल का फैक्टर और आज के फैक्टर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं एक किट खोलता हूँ, किट में जब पहली बार टेस्ट करूँगा तो मुझे एक फैक्टर मिलेगा, उस फैक्टर को मैं सेव कर लेता हूँ और हर रोज़ जब भी मैं उसी किट को यूज़ करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि फैक्टर बराबर है कि नहीं। अगर मेरा किट ठीक है, अगर मेरा टेक्नीशियन ठीक है, अगर मेरा प्रोसीजर ठीक है, तो फैक्टर्स चेंज नहीं होगा। अगर फैक्टर चेंज हुआ है तो ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है सिस्टम में और आगे का रीडिंग्स जो है उस पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। द मेन रीज़न ऑफ अ फैक्टर इज़ टू चेक अप वेदर द मशीन इज़ गिविंग प्रॉपर रीडिंग्स और नॉट। और अगर फैक्टर हिल गया है तो आपके तीन चीज़ें में प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपको रिएजेंट में प्रॉब्लम है, या तो आपका स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है, या तो आपका टेक्नीशियन में प्रॉब्लम है। अब इसको अगर एक दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर मेरे डिपार्टमेंट में कोई नया टेक्नीशियन आया है और मुझे टेस्ट करना है कि वो टेक्नीशियन अच्छा है या नहीं, तो मैं उसको एक स्टैंडर्ड रन करके फैक्टर कैलिब्रेट करने के लिए बोलूँगा। अगर उसका फैक्टर मेरे फैक्टर के साथ मैच करता है, देन आई नो दैट द टेक्नीशियन इज़ गुड, उसका टेक्निक्स अच्छे हैं। सो फैक्टर कैन बी यूज फॉर दैट। नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आज मैं ग्लूकोज का टेस्ट एक किट से कर रहा हूँ तो मेरा फैक्टर कुछ होगा। अगर मैं कोई दूसरा ब्रांड का किट लेकर ग्लूकोज टेस्ट करूँगा, उसका फैक्टर अलग हो सकता है। दोनों फैक्टर्स कंपेरेबल नहीं है। फैक्टर क्या कंपेरेबल है? एक ही किट को अगर मैं दो दिन में चलाऊँगा तब फैक्टर कंपेयर कर सकता हूँ। एक दिन मैंने एक किट से किया, दूसरे दिन मैंने दूसरे किट से किया, तो ये दोनों फैक्टर्स कंपेयर नहीं हो सकते हैं। फैक्टर उसी किट का कंपैरिजन करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। यू कैन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट माय ईमेल inqsinbiochemistry@gmail.com। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस अबाउट माय लेक्चर और इफ़ यू वांट मी टू इम्प्रूव ऑन समथिंग, यू कुड ऑल्सो इन्फॉर्म मी इन माई ईमेल। थैंक यू।